हेलो एवरी वन माई नेम इज़ स्वाति आई एम अ पैटेंट एजेंट एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ फाइव प्लस इयर्स इन दिस फील्ड सो आज जो ये वीडियो है आपका एक स्टूडेंट है उनका ये रिक्वेस्ट आया था कि मैम सेक्शन टेन पे वीडियो बनाइए और क्या ये पैटेंट एजेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए ये जो आप देख रहे हो ये कंटेंट जो आपको सामने दिख रहा है वो कुछ नहीं गूगल पे आई इंडिया का जब डालोगे आप आई पी इंडिया डॉट निक डॉट इन इंडियन पेटेंट एक्ट नाइनटीन उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा मैंने भी डायरेक्टली गूगल से खोल के आपको सामने दिखाया तो इसलिए मैं इसका कोई लिंक शेयर नहीं कर रही कि मैंने ये कोई नोट्स है ऐसा मैंने बनाया है बिल्कुल बहुत ही ईजिली वहाँ पर आपको समझ भी आ जाएगा कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कंटेंट ऑफ स्पेसिफ़िकेशन मतलब आप जो भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो आइदर प्रोविजनल और कंप्लीट राइट किसी भी इन्वेंशन का उसमें जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो क्या होना चाहिए बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को वो समझ आ सके उसमें जो टाइटल आप डालोगे वो बिल्कुल करेक्टली डालोगे राइट उसका जो टाइटल है वो इंडिकेट करेगा उस सब्जेक्ट मैटर को वो इंडिकेट करता हुआ होगा वो टाइटल आपको डालना है अदरवाइज क्या होता है अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है आपका जो आप क्लेम डाल रहे हो वो क्लेम भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो आपका इन्वेंशन नॉबल है तो कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन सेक्शन टेन यही कहता है कि एवरी स्पेसिफिकेशन वेदर प्रोविजनल और कंप्लीट सेल्फ डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड सेल्फ डिजन विद अ टाइटल सफिशेंटली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट मैटर टू विच द इन्वेंशन रिलेट राइट right? अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो सेकंड पॉइंट यह कहता है कि सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट ड्रॉइंग में एंड फैल इफ द कंट्रोलर सो रिक्वायर्स बी सप्लाइड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी स्पेसिफिकेशन वेदर कंप्लीट और प्रोविजनल एंड एनी ड्राइंग so supplied said unless the controller otherwise direct be deemed to form part of the specifications and references in this act to as well be constructed accordingly matlab us tarike se dekho aap jab kabhi bhi koi invention kholna usme aap dekhoge title hai abstract hai ek drawing hota hai us invention ka right uske baad kya hota hai usme claim dalte ho aap ये सारी चीज़ें इसके अंदर description डालते हो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल clear cut आपका title आपका claim बिल्कुल accordingly होना चाहिए अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो राइट right? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं बस यही कहता है सेक्शन टेन कि सेक्शन टेन में चाहे वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो या प्रोविजनल और कंप्लीट कोई भी फाइल कर रहे हो आप एप्लीकेशन तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने सीधे बस कुछ सोचा और डाल दिया इस तरीके से नहीं होता ठीक है तो यही सेक्शन टेन है सेक्शन टेन बेसिकली कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिनोट करता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है राइट right? अगर हम बात करें देखो बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं आता लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन टेन बेसिकली किस चीज़ में काम करता है तो सेक्शन टेन इज़ कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन तो आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर होगा क्लियर होगा तो प्लीज़ एक लाइक like का बटन जरूर दबाओ यार उसमें क्यों कंजूसी करते हो लाइक दबाओगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ इस पर डालूंगी लाइक like ही नहीं होता तो मेरा भी मन नहीं होता क्योंकि मेरा भी इतना बिजी शेड्यूल है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो बच्चे पैटेंट एजेंट एग्जाम इस पर देने वाले हैं ट्वेंटी में उनको थोड़ी हेल्प मिल सके राइट देयर इज़ नो कॉस्ट कोई पैसे नहीं लग रहे आपके जो डिमांड होते हैं मैसेजेज में मैं उस पर वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टे कनेक्टेड